और मेरा असद, मेरे असद को तो ड्रेसिंग सेंस का इतना अच्छी तरह से पता है कि किसी की हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं है। बाबा आपने एक चीज नोट की, हमारी अम्मी काउंसलिंग भी बहुत अच्छी करती है। तुम्हारा मतलब है कि बेवकूफ कितना अच्छा बनाते हैं? अकार सॉरी। इतने साल हो गए वकार, अभी तक आपको मैचिंग करनी नहीं आई। अरे ये स्किल हमने अपने पास खुद ही नहीं रखी। जो क्यों? मैं नहीं पूछूंगी, इसलिए कि आप जरूर कोई उल्टा सीधा जवाब देंगे। अगर मैं ये खुद करता तो आप अपने हाथों से जो मैचिंग करती हैं उसके लिए आप यहाँ न होती, बल्कि किचन में कोई काम कर रही होती। ओफो भाई, जल्दी करें ना, नाश्ते के लिए लेट हो रहे हैं। चल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, देख लें असद आपसे पहले रेडी होकर आ जाता है। एक्चुअली में क्या है कि अनफॉर्चुनेटली मेरी बीबी आपकी तरह केयरिंग नहीं है, जो कि मुझे इनकी तरह त्याग करे, तो इसलिए सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। बाबा आई मस्ट से यू आर अ वेरी लकी मैन। रियली? ओह यस। अरे नहीं बेटा, अलीजे तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। दरअसल बच्ची छोटी है ना, सारी रात उसे जागना पड़ता है उसके लिए, इसलिए सुबह जल्दी उठना मुश्किल हो जाता है। रहने दीजिए हमें, जब हम छोटे थे ना तब भी हमें याद है कि आप बाबा को इसी तरह प्यार करती थी। तभी तो इनकी आदतें बिगड़ गई हैं। और मेरा असद, मेरे असद को तो ड्रेसिंग सेंस का इतना अच्छी तरह से पता है कि किसी की हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं है। बाबा आपने एक चीज नोट की, हमारी अम्मी काउंसलिंग भी बहुत अच्छी करती है। तुम्हारा मतलब है कि बेवकूफ कितना अच्छा बनाते हैं? अकार सॉरी। हमारी अम्मी परफेक्ट है। यस आई थिंक सो। यस दरअसल बेटा, अल्लाह ने मेरी तरबियत का भरम रखा है, इतना सुलझा हुआ समझदार बेटा दिया। जिस तरह से तुम सुबह तैयार होकर सबसे पहले हमारे पास आते हो ना, तुम नहीं जानते हमारे दिल से तुम्हारे लिए कितनी दुआएं निकलती हैं। खुश रहो मेरी जान। थैंक यू, बस इसी तरह मेरे लिए दुआ करती रहा कर। ऐसे ही दुआ करती रहूंगी। अब चले भाई नाश्ते के लिए। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सब्सक्राइब टू AY डिजिटल YouTube चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट।